हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टिप्स विद मोनिका। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्किन वाइटनिंग मास्क। बहुत इजी है इसको बनाना और इसकी एप्लीकेशन। एक बार आप इसको बनाइए और यूज करके देखिए, इसका जो डिफरेंस है आफ्टर और बिटवीन का वो आप खुद देख सकते हो। बहुत ही अच्छा मास्क है और गर्मी में अगर आप इस मास्क को अप्लाई करते हो तो आप जब अगर आप डेली रूटीन में बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, ऑफिस में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, जो दिन के टाइम में जो सन का इफेक्ट आपकी स्किन पे आता है, अगर ये मास्क आप डेली लगाते हो और इसको लगा के आप लगाने के बाद में या लगाने से पहले जैसे भी आप बाहर जाते हो लेकिन डेली इसका यूज कर रहे हो तो आपकी स्किन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी तरह के कोई रैशेस, किसी तरह के कोई पिंपल या आपकी स्किन बर्न नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप सभी जानते हो जो मिंट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और उसका गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, चाहे हमारे हेयर के लिए हो, स्किन के लिए हो या हमारी बॉडी के लिए हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो मास्क हम यूज कर रहे हैं वो भी मिंट का मास्क है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे ही आप इसको बना के अप्लाई करते हो कि आप खुद देखोगे कितना ज़्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत इजी इसको बनाना है। एक बार इसको बना के यूज करके देखना, आपके फ्रेंड आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट बिफोर और आफ्टर का इतना ज़्यादा इमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए देख लेते हैं इस मास्क को बनाना कैसे है और इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से मिंट के लीव्स लिए हैं, ठीक है, मिंट्स लीव लिए हैं। जो पुदीना होता है आजकल सभी घरों में मिलता है, सभी अपने घरों में इसको उगा लेते हैं क्योंकि बहुत इजी है इसको ग्रो करना। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैंने लिया था अदरक का टुकड़ा, ठीक है, एक छोटा सा बिल्कुल एक अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था। इन दोनों चीज़ों को मैंने रात को भिगो के रखा था पानी में। नॉर्मल जो आपका वाटर होता है, आरओ का जो वाटर होता है, आपको वो लेना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को रात को भिगो के रख देना है, ठीक है। ओवरनाइट इसलिए भिगो के रखना है ताकि इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो पानी में आ जाए। अब मैंने थोड़ा सा जो पानी मैंने पुदीने का और जिंजर जो भिगो के रखा था, उन दोनों का जो पानी है वो मैंने ले लिया है, ठीक है। जितना आपको लेना है, जितना आपको पेस्ट बनाना आप ले सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर, ठीक है, 1 से 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। ये बिल्कुल ज़्यादा थिक नहीं होएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि तब तक हम कॉर्नफ्लावर को गर्म नहीं करते वो ज़्यादा थिक नहीं होता, ठीक है ना। हमें इसको गर्म नहीं करना है, हमें इसको थिक नहीं करना है, बिल्कुल बारीक एक पेस्ट सा हमें लेना है, ठीक है। अब मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। अब ये ज़्यादा बारीक है तो मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लूज है तो मैं 1 चम्मच और इसमें ऐड कर दूंगी, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। तब आप इसको 2 मिनट के लिए रखोगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, जैसे जिसको आप अपने फेस पे आसानी से अप्लाई कर सकोगे। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जैसे आप इसको यूज करते हो आपको खुद पता चल जाएगा। एक बार के यूज में ही इतना बेटर रिजल्ट आपको देगा कि बहुत ही अच्छा, और समर के लिए तो ये औसम है, ठीक है ना। अब मैंने 2 टेबल स्पून जो कॉर्नफ्लावर है इसमें यूज किया है, ठीक है ना। आप देख सकते हो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हो गई है, ठीक है, हमें ऐसी ही चाहिए थी। आप देख सकते हो थोड़ी सी थिक हो गई है। इसको ब्रश की हेल्प से आप आसानी से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी जो रेमेडी है वो तैयार है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसको अपने फेस पे अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। किसी भी तरह का कोई भी मेकअप आपके फेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद किसी ब्रश की हेल्प से इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। जब एक बार फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको इसकी 2 से 3 कोट अपने फेस पे अप्लाई करनी है ताकि वो अच्छे से पूरे फेस को कवर कर ले, कोई भी जगह आपके फेस की ना रहे। 2 से 3 कोट इसकी तब करोगे तो ये अच्छे से एक लेयर आपके फेस पे बन जाएगी। और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है,
जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये बिल्कुल सूख जाएगा। जैसे ऐसा लगेगा आपका फेस जैसे आपने किसी तरह का कोई पाउडर आपके फेस पे लगाया है, ठीक है ना। जब इसके 2-3 कोट करके इसको सूखने के लिए छोड़ देते हो तो आपके फेस पे जब ये सूखने के बाद ऐसा शो होगा कि जैसे आपने कोई जो पाउडर होता है ना आपने वो लगाया है उसको। अब जब आप देख रहे हो कि मैंने इसके 2-3 कोट अपने फेस पे अप्लाई की है, फ्रेंड्स इतना ज़्यादा अच्छा इतना इमेजिंग रिजल्ट है कि एक बार यूज करके देखना आप खुद जान जाओगे कि कितना इफ़ेक्टिव कितना अच्छा है ये हमारे स्किन के लिए हमारे फेस के लिए वाइटनिंग के लिए। और इसको बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो सबके घर में अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे चावल का आटा या फिर जो मूंग दाल है उसका आटा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी उनमें से है, अगर कॉर्नफ्लावर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप जो मूंग दाल पीस के हम आटा बनाते हैं वो भी ले सकते हो, अदरवाइज़ फिर जो राइस का आटा होता है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन कॉर्नफ्लावर जो है वो बेस्ट है। वैसे ऑप्शनल आप जो चाहो यूज कर सकते हो। इसको आप डेली भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो मिंट होता है हमारे फेस के लिए हमारी स्किन के लिए हमारे हेयर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जितना ज़्यादा आप यूज कर सको समर में इसका यूज करो, इसका स्किंजी बना के आप पियो, इसको इसकी चटनी जो बनाते हैं वो बना के खाओ, जैसे मर्जी इसको यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। अगर आप इस रेमेडी को अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी आपको कम होती है क्योंकि वो ठंडा होता है और आपकी स्किन को ठंडक देता है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। आफ्टर 10 मिनट आप देख सकते हैं कि जो मेरा फेस पैक है वो बिल्कुल सूख गया है और ये मतलब ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैंने कोई पाउडर लगाया है, ठीक है ना। अब इसको हल्के हल्के हाथों से रब करना है 2 मिनट के लिए, बिल्कुल इसको हल्के हाथों से रब करना है, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, ठीक है ना। इसको हल्के हाथों से रब करके उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स आफ्टर और बिफोर रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। आप एक बार यूज कीजिए, आप एक बार लगा के बाहर निकलोगे ना तो आपके फ्रेंड्स आपकी तारीफ करेंगे, पूछेंगे कि आपने क्या अप्लाई किया है। जैसे हम ब्लीच फेशियल करवाते हैं ना उसके बाद हमारी स्किन पे ग्लो आता है ना, वैसा ग्लो आपके फेस पे आएगा। तो फ्रेंड्स इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फेस टू फेस बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजी मास्क है, इसको बनाना कितना ज़्यादा इजी है, और बिफोर और आफ्टर आप इसको देख सकते हो। एक बार इसको लगा के बिफोर और आफ्टर में खुद देख लेना कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने किसी भी तरह का अपनी स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है। मैं किसी तरह का कोई केमिकल कुछ भी यूज नहीं करती हूँ अगर मैं घर पे होती हूँ तो। अगर बाहर जाती हूँ तो मैं कोई सनस्क्रीन लगाती हूँ, अदरवाइज नहीं लगाती। मैं अपने सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट है जो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, DIY शेयर करती हूँ, मैं सिर्फ वही यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस मास्क को बनाइए और इसको अप्लाई कीजिए। इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, अच्छा है या बुरा है जैसा भी है, लेकिन फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत कितनी सफल हुई है और कितनी नहीं हुई है। एक बार इसको जरूर अप्लाई करके देखना क्योंकि बहुत ईजी है इसको बनाना, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। फटाफट से बना के आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसको बना के ज़्यादा देर के लिए मत रखो, ठीक है, सिर्फ बनाया फटाफट से और इसको लगा लिया। हाँ जो मिंट है वो मैंने आपको बताया है कि जो मिंट और ये आपने जो जिंजर लिया था उसको रात में भिगो के रखना है ताकि उसकी पूरी क्वांटिटी जो उसके अंदर है प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से पानी में आ जाए जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है, ठीक है ना। तो इसको बनाइए और यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।